आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। तो नमस्कार, मैं हूं निशांत गौतम, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए टाइप करें www.kemasnews.com। आइए देखते हैं ये खबर। आप देख रहे हैं के मास न्यूज। आज हम मौजूद हैं अयोध्या के गुलाबबाड़ी मैदान में। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के द्वारा जो है तिरंगा संकल्प महायात्रा का आयोजन किया गया है, जो गुलाबबाड़ी से स्टार्ट होकर के गांधी पार्क तक जाएगा। और यहाँ पर अभी कुछ देर में जो है स्टार्ट होने वाला है। हम दिखाना चाहते हैं एक बार इस प्रांगण में, देखिए कार्यकर्ताओं के हाथों में जो अपना पूरा हाथ में तिरंगा लहराते हुए लोगों के द्वारा जो है एक नया जज्बा दिखाई पड़ रहा है। पूरा प्रांगण जो है खचाखच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भरा हुआ है। हाँ, लोग जो है आम आदमी पार्टी के नारे भी लगा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। और आदिपुर से उमाशंकर गौतम जी से ये अपने कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा संकल्प महायात्रा में भाग लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। इस कार्यक्रम को आम आदमी पार्टी बड़े पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ मौजूद हुए हैं। अभी कुछ ही देर में जो है दिल्ली प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का आगमन होगा, राज्यसभा सांसद डॉक्टर संजय सिंह का आगमन होगा और कार्यक्रम जल्द से ही जल्द शुरुआत होगा। सहयोग करने के लिए, पार्टी का सहयोग करने के लिए। क्या आपको ये लगता है कि 2022 में कादीपुर विधानसभा 191 से आपको 100% टिकट का कोई पता नहीं सर, टिकट तो पार्टी देखेगी, पार्टी डिसाइड करेगी। तो आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ हैं? हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ हैं। नॉर्मल चलिए जो है पदयात्रा, धीरे धीरे तिरंगा यात्रा जो है गांधी पार्क तरफ पहुंच रही है। लोगों का हुजूम दिखाई पड़ रहा है, सभी कार्यकर्ताएं जो है गांधी पार्क पर पहुंच चुके हैं। हम दिखाना चाहेंगे, जब दिखाइए अभी कुछ ही देर में जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जी पहुंचने वाले हैं। काफ़ी लंबी दूरी तय कर गुलाबबाड़ी से चल करके रिकाब अंगूरी बाग रिकाबगंज होते हुए गांधी पार्क तरफ आ रहे हैं। थोड़ा दूर हो जाओ भैया, थोड़ा दूर हो जाओ। वातावरण को खत्म करने के लिए दिल्ली मॉडल की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में लोगों के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए थोड़ा पीछे हो जाओ, आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा के माध्यम से आगामी 2022 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए देश प्रदेश के लोगों को ये संदेश देने आई है कि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, बस किराया, ये तमाम सुविधाएं जनता को फ्री दे रही है, क्या ये संभव नहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त करे, राशन मुफ्त करे, शिक्षा मुफ्त करे, स्वास्थ्य मुफ्त करे, चिकित्सा मुफ्त करे, महिलाओं को बसों में किराया मुफ्त करे, रसोई गैसों के दाम कम करे, ये हम लोगों को मांग करने के लिए पूरे देश में महंगाई है, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में है, वहाँ पर हमारी सरकार ने डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर का दाम कम कर रखा है। आप लोग मीडिया गए जानते हैं अच्छी तरीके से, पेट्रोल में प्रति लीटर 10 रुपए हमने कम करके रखा है। वहाँ पर हमने बिजली के दाम 2014 से जब से मैंने सरकार बनाई है आज तक बिजली के दाम नहीं बढ़े हैं। ये बेटा लाल दिवाकर नहीं बोल रहा है, ये दिल्ली की सरकार बोलती है, दिल्ली की जनता बोलती है। हम लोग कानपुर देहात आम आदमी पार्टी की तरफ से आए हैं, बेटा लाल दिवाकर एडवोकेट, पूर्व जिलाध्यक्ष कानपुर देहात। हमारे बीच में सतीश शुक्ला रनिया विधानसभा के हैं, देव नारायण पाल महाराजपुर विधानसभा से हैं, राजेश कठेरिया
रसूलाबाद विधानसभा और राजेश कठेरिया रसूलाबाद विधानसभा से है। हमारे बीच में कुछ काजीपुर विधानसभा सुल्तानपुर से काजीपुर विधानसभा 191 से लोग आए हुए हैं, हम जरा बात करना चाहेंगे। सर आपका क्या नाम? जय हिंद सर, मैं काजीपुर का विधानसभा प्रभारी सुरेश चंद्र एडवोकेट पूर्व बार एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ। मैं आज ऐसे फैजाबाद और अयोध्या की धरती पर माननीय राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह के नेतृत्व में तिरंगा संकल्प यात्रा में उपस्थित हुआ हूं और माननीय अरविंद केजरीवाल की नीतियों को आज जो उत्तर प्रदेश की भूख भय और भ्रष्टाचार जिस तरह से व्याप्त है उत्तर प्रदेश के अंदर उसका पतन करने के लिए उसको नस्ता नबूद करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आने वाले विधानसभा 2022 में आम आदमी पार्टी से अयोध्या की धरती से संकल्प लेती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को घाट फेंकेगी। सर ये बताएं, जो आज अयोध्या में गुलाबबाड़ी से लेकर के गांधी पार्क के बीच में जो है आम आदमी पार्टी के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला गया है, ये कहीं ना कहीं विधानसभा 2022 का आगाज तो नहीं है? जी बिल्कुल है 2022 में जिस तरह से माननीय अरविंद केजरीवाल की नीतियों को पूरे भारत में एक संकल्प यात्रा के लिए निकली है। पूरे भारत में जो है इसका दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर संजय सिंह जो है गांधी पार्क पर आ चुके हैं, अपनी तिरंगा यात्रा को लेकर के गांधी पार्क पर मौजूद हो चुके हैं। संकल्प यात्रा के लिए अब हम सब लोग तिरंगा हाथ में उठा के संकल्प लेंगे जिनके हाथ में तिरंगा नहीं है वो भी तिरंगा पकड़ लें एक दूसरे के साथ में और संकल्प लें। हम संकल्प लेते हैं कि इस तिरंगे के नीचे रहने वाले उत्तर प्रदेश के हर एक बच्चे को शानदार शिक्षा मिले। ऐसी राजनीति लेकर आएंगे। हम संकल्प लेते हैं कि इस तिरंगे के नीचे रहने वाले उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, शानदार सरकारी अस्पताल मिले, बिस्तर के अभाव में किसी की मृत्यु ना हो, डॉक्टर के अभाव में किसी की मृत्यु ना हो, इलाज के अभाव में किसी की मृत्यु ना हो। हम तिरंगे को उठा के संकल्प लेते हैं। मैं जो हेलो मिस्टर हमारे पास जो काम करने वाले हैं जो सिपाहियों ने किया है, समाधान के दिखाए आप।
बच्चों पर राजनीति करेंगे और उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा, बहन के लिए सुरक्षा, किसान के लिए फसल का दुगना दाम, नौजवानों के लिए रोजगार, इस सबका ईमानदारी से इंतजाम करने के लिए उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। कहाँ निकल